नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। खबर मध्य प्रदेश के भिंड से है, जहां नगर पालिका परिषद भिंड की अनदेखी के कारण वार्ड 19 के नागरिक पिछले 20 सालों से परेशान हैं। इस वार्ड के अंदर रहने वाले नागरिकों की ये पीड़ा है कि वार्ड 19 एवं 21 के नेशनल हाईवे से जगराम नगर में आने वाली रोड पर लगी विद्युत विभाग की डीपी, जिस पर हजारों की संख्या में कटिया का हमला देखा जा सकता है। इस कटिया में अवैध कनेक्शन धारी सर है, जिसकी सूचना भी आला अधिकारियों को दी गई है, लेकिन कोई भी अधिकारी कार्यवाही करने में रुचि लेता नजर नहीं आता है, जबकि बकाया कनेक्शन धारियों के लिए दिन रात टीम कार्यवाही करती हुई नजर आती है, लेकिन अवैध कटिया कनेक्शन धारियों पर कोई कार्यवाही आज तक नहीं हुई। ऐसे में मोहल्ले के अंदर रहने वाले नागरिक विद्युत विभाग की इस पक्षपात की नीति से आक्रोशित है। इलेक्ट्रिक पोल में करंट भी बना रहता है, आए दिन पशु मवेशियों के बच्चों के लिए खतरा बना रहता है। वार्ड 19 से 21 की ओर जाने वाला मुख्य रास्ता चार आज़ादी के बाद भी नहीं बनाया गया है, जबकि इस वार्ड में रहने वाले बच्चे, महिलाएं, पुरुष सभी बारिश में घरों के अंदर कैद हो जाते हैं। आज भी घरों से निकलने वाले पानी का बंदोबस्त बिल्कुल शून्य बना हुआ है, जबकि नगर पालिका के द्वारा आज तक पानी की निकासी का इंतजाम तक नहीं किया गया है। प्रदेश सरकार चाहती है कि भिंड नगर पालिका परिषद को करोड़ों का बजट दिया जा रहा है, लेकिन विकास कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में वरिष्ठ अधिकारियों की जमकर आमजन के बीच में किरकिरी हो रही है। प्राइम न्यूज 24 के लिए ब्यूरो इमरान अली खान की रिपोर्ट। मिथिला जी, आपका मकान ज्येष्ठ विद्युत विभाग की डीपी के सामने ही है, काफी जर्जर तार हैं। क्या परेशानियां रहती हैं आपको यहाँ? इतनी परेशानी है सर, बरसात में तो छोटे छोटे बच्चे और हमारे यहाँ गेट तक इतनी करंट आ जाता है, गेट पकड़ना भी बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, अर्थिंग आती है इसमें जी। और बच्चे कई, एक बार तो यहाँ सुअर दो तीन मर चुके, एक गाय मर चुकी है हमारे यहाँ दरवाजे पे, तो बुरा भी लगता है इतना जी जी। और बच्चों को तो इतना हम कंट्रोल रखते हैं, अंदर से ताला डालना पड़ता है, बच्चे बाहर नहीं आ सके जी। और हम खुद कंप्लेंट करिए, हमारे पास अभी रिसीप्ट भी रखी है, हम कलेक्ट्रेट में देखे आए हैं, जब उसमें हेल्पलाइन पे भी दी है, अभी भी हमारे पास रखी है इसकी मौजूद में जी। तो इसमें अभी तक कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं, जवाब जब वहाँ से आया तो ये आया कि ठेकेदार के द्वारा ही होगा, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ठेकेदार के माध्यम से, ठेकेदार के माध्यम से ही होगा जी, जी। इसके अलावा हमने ये भी, ये नाली हमारा यहाँ से पानी निकलता था, ऑब्जेक्शन उठाया हमने, बोल के जी यहाँ कर दी जी, ये नाली भी खोली है जी, यहाँ बंद जी, यहाँ पर आगे जी, ये भी है। नगर पालिका की तरफ से पानी निकासी के बंदोबस्त नहीं हो पाए आपके वार्ड में? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। अच्छा, कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ? हम यहाँ हो गए 10 साल हो गए करीब यहाँ पे आए। अच्छा, ये जो विद्युत विभाग के डीपी के पीछे जो आपके तार दिखाई दे रहे हैं, जर्जर तार हैं, काफी हद तक लोगों के घरों तक पहुँचे, ये कनेक्शन धारियों के हैं कि अवैध कनेक्शन धारियों के? कुछ कनेक्शन धारी भी है, कुछ अवैध भी है इसमें जी। तो विद्युत विभाग ने कभी यहाँ चेकिंग अभियान नहीं चलाया? नहीं चलाया, चेकिंग अभियान चलाए? ऐसी चेकिंग अभियान नहीं चलाए, देख के यहीं से चली जाती डीपी से। अच्छा, कुछ शिकायत भी उनसे मैंने की है तो यही बोलते हैं कि मतलब वो ही करेंगे, हम इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, कभी यहाँ बरसात में महिलाओं को या पुरुष को, आपके यहाँ के नागरिकों को करंट लगा है कभी? करंट बच्चों को लगा, एक पीछे ही लगा था अभी अभी उसमें जी, फिर भी ये कार्रवाई नहीं हुई हटाने की? हमारी जो बच्ची पीछे खड़ी, भैंस मरी उनकी जी, अब बेचारे कुछ कर नहीं सकते, उसकी गरीब आदमी रह गए ऐसी, कम से कम 35,000 की भैंस। अच्छा, आप कितने सालों से कंप्लेंट कर रहे हैं इस डीपी के? दो तीन सालों से बराबर कंप्लेंट कर रही हैं, लेकिन जवाब नहीं मिलता है, कार्रवाई पे नहीं कोई सुनता है जी, वहाँ से कुछ नहीं होता है। सिर्फ यही एक बताया जाता है कि आपके यहाँ ठेकेदार आएगा, वही दुरुस्त करेगा, जिसने ये केबल डाली है वही सही करेगा, जब आएगा तभी। कितने कनेक्शन होंगे इस डीपी पे? अवैध निश्चित है, अगर किसी के नाली वहाँ आगे बंद कर दी है, उन तारों को हटाने की जिम्मेदारी कौन लेगा? पीछे देखिए।